नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्थम एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्थम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली उज्बेकिस्तान में बुखारा सिटी के अंदर आई हुई एक यूनिवर्सिटी के बारे में है। हाँ जी दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो बुखारा सिटी के अंदर आई हुई है। बुखारा सिटी जो है बुखारा रीजन का कैपिटल है। बुखारा सिटी जो है वो बेसिकली उज्बेकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट में आया हुआ सिटी है, और यहाँ पे ये इसकी जो बॉर्डर शेयर करता है वो तुर्कमेनिस्तान के साथ, उसका साउथ साइड पे बॉर्डर शेयर होता है। उसके अलावा नॉर्थ साइड पे बात करेंगे तो कजाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। एंड यहाँ पे नियर बाय सिटी की बात करेंगे तो समरकंद सिटी जो है इससे नजदीक में है। यहाँ पे अगर सिटी के टोटल एरिया की बात की जाए तो करीबन 39.4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये सिटी कवर करता है। और यहाँ पे उसके पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन करीबन 3 से 3.5 लाख तक की आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वैसे तो बुखारा सिटी जो है बहुत ही पुराना सिटी है, लेकिन उसको नोबेल बुखारा के नाम से भी जाना जाता है। करीबन 140 के आसपास के आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, उसकी वजह से यूनेस्को ने उसको लिस्टेड किया हुआ है हिस्टोरिकल सिटी के अंदर। यहाँ पे बुखारा के क्लाइमेट कंडीशन की बात की जाए तो क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पे समर टाइम जो रहता है जून से अगस्त के आसपास, उस टाइम पे काफी ज्यादा गर्म रहता है। उस टाइम पे जो टेम्परेचर है करीबन 40 डिग्री के आसपास रहता है। उसके अलावा अगर विंटर की बात करेंगे दिसंबर से फरवरी के टाइम में, तो वहां पे जो टेम्परेचर रहता है करीबन 3 डिग्री के आसपास रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि बुखारा अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंचा जा सकता है। बुखारा की इंडिया से डायरेक्ट कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो कनेक्टिंग फ्लाइट के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं वो या तो फिर वाया मॉस्को जाता है, वाया ताशकंद जाता है, या तो फिर वाया इस्तांबुल होके जाता है। यहाँ पे अगर इंडिया से हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे बुखारा के लिए तो वो करीबन 3 से 3.5 हजार किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रहता है। और टोटल जर्नी का जो टाइम लगता है यहाँ पे करीबन आपका 9 से लेकर 11 घंटे के आसपास का यहाँ पे समय लगना है, और उसके अंदर लेओवर टाइम एक्स्ट्रा हो सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग अवेलेबल फ्लाइट्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी फ्लाइट के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो यहाँ पे आपको उज्बेकिस्तान की एयरलाइंस अवेलेबल हो जाती है, उसके अलावा टर्किश एयरलाइंस भी अवेलेबल होती है, उसके अलावा एयर अस्ताना की फ्लाइट जो है वो अवेलेबल होती है, उसके अलावा एरोफ्लोट अवेलेबल हो जाती है, उसके अलावा इतिहाद एयरवेज भी अवेलेबल हो जाती है, एंड कुछ एयर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट्स वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। यहाँ पे अगर हम लोग कॉलेज की बात करेंगे तो कॉलेज का जो नाम है वो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और इसका जो एकेडमिक अफिलिएशन है वो बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ है। कॉलेज के यहाँ पे अगर फाउंडेशन ईयर की बात की जाए तो करीबन 1990 के अंदर इसका फाउंडेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो जनरल मेडिकल प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश में यहाँ पे 2001 से। यहाँ पे अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम अवेलेबल है। कॉलेज के यहाँ पे अगर टोटल बजट की बात की जाए तो टोटल बजट करीबन आपका यहाँ पे 27 से लेकर 30 लाख के बीच में रहेगा, जिसके अंदर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एंड अदर चार्जेस इंक्लूड रहते हैं। यहाँ पे अगर एडमिशन की इंटेक की बात की जाए तो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट पूरे साल में एक ही दफा एडमिशन एक्सेप्ट करता है। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अप्रैल से लेके मई महीने के अंदर शुरू हो जाती है। यहाँ पे अगर बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में सोफ्थामो ओपिनियन की अगर बात की तो इट्स वन ऑफ द लीडिंग मेडिकल कॉलेज इन बुखारा रीजन। कॉलेज के पास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है एंड वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज और क्लासरूम्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। दूसरा, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस फैकल्टी स्टाफ अवेलेबल है तो पढ़ाई के मामले में आपको कोई भी दिक्कत आने का चांसेस नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे एफिलिएटेड हॉस्पिटल की बात की जाए तो बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कुछ हॉस्पिटल के साथ एफिलिएशन है यहाँ पे, जिसके अंदर बुखारा रीजनल मल्टीडिसिप्लिनरी मेडिकल सेंटर है, उसके अलावा बुखारा रीजनल ऑन्कोलॉजी सेंटर है, उसके अलावा बुखारा रीजनल डर्मेटोलॉजी एंड बुखारा रीजनल ऑप्थेमोलॉजी, उसके साथ भी इसका एफिलिएशन है, एंड बुखारा रीजनल पीडियाट्रिक सेंटर जो है उसके साथ भी इसका एफिलिएशन। तो इतने सारे हॉस्पिटल के साथ एफिलिएशन होने की वजह से आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल का एक्सपोजर भी काफी बेहतर मिल सकता है।
दूसरा यहाँ पे पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है गर्ल सेफ्टी के बारे में, तो गर्ल सेफ्टी इट्स अवर गारंटी। एंड दूसरा सोफ्तामो का लोकल सपोर्ट सिस्टम भी वहाँ पे ऑलवेज अवेलेबल रहता है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सोफ्तामो के थ्रू ही क्यों एडमिशन लेना चाहिए। तो सी सोफ्तामो के थ्रू जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है उसको सोफ्तामो की ओर से मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर इंडियन ऑथर्स की पहले 2 साल की बुक्स जो रहती है, जो फिजिकल बुक्स होती है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स होते हैं, तो वीडियो लेक्चर्स डिफरेंट टीचर्स के जो रहते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा ई बुक्स रहती है मेडिकल की डिफरेंट, वो ई बुक्स प्रोवाइड की जाती है। एंड उसके अलावा जो नोट्स रहती है मेडिकल की, वो हैंड रिटन नोट्स भी हो सकती है और या फिर ऑनलाइन नोट्स भी हो सकती है, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। दूसरा, ये जो भी स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल टोटली प्रिपेयर किया जाता है सोफ्तामो के एक्सपीरियंस डॉक्टर के टीम के द्वारा। दूसरा, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के साथ सोफ्तामो का इंडिविजुअल कम्युनिकेशन रहता है, जिसके द्वारा स्टूडेंट का कोई भी वीक पॉइंट रहेगा तो उसको कैसे उसकी स्ट्रेंथ बनाई जा सकती है उसके ऊपर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है। दूसरा, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट को पीजी करना है अब्रॉड के अंदर, लाइक यूएस है, यूके या जर्मनी लाइक दैट कंट्री, तो उसका जो भी गाइडेंस है फ्रॉम द फर्स्ट डे हमारी ओर से प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे ये जो भी चीज दे जा रही है उसका कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाता है, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज सर्विस है सोफ्तामो की ओर से फॉर द सोफ्तामो स्टूडेंट। दूसरा, सोफ्तामो की ओर से अगर आपको एडमिशन लेने के बारे में आप सोच रहे हो तो सोफ्तामो के रेगुलर वेबिनार होते हैं, तो वो वेबिनार अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके वेबिनार का लिंक अवेलेबल रहता है, वहां से आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, तो आपको वेबिनार का लिंक हमारे कोऑर्डिनेटर की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा, उसको ज्वाइन करके भी आप काउंसलिंग का बेनिफिट ले सकते हो। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें एवं अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके अलावा मेल करना आपको तो मेल भी करके अपना रिप्लाई पा सकते हो। उसके अलावा कुछ भी डाउट हो, आपको चैट करना है तो हमारा चैटिंग सेक्शन अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, व्हाट्सएप का भी वहाँ पे डिटेल अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। उसके अलावा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर से ज्वाइन करें, जिसके अंदर डे बाय डे जो भी अपडेट्स होती है MBBS इंडिया की रिगार्डिंग या अब्रॉड की रिगार्डिंग, वो इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करते रहते हैं। तो अपने आप को अपडेट करने के लिए टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करें। एंड फिर से निवेदन रहेगा मेरा आप सबसे कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो यहाँ पे आपकी अच्छी सेहत की शुभकामना के साथ एंड आपके अच्छे करियर की शुभकामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।